हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता किचन में। आज हम लेके आए हैं मटर पनीर की एकदम सूखी टेस्टी चटपटी सब्जी, जो कि सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई रखे हैं, इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। तेल को बढ़िया से गर्म कर लीजिएगा और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाए, इसमें 2 लंबी लंबी कटी हुई, थोड़ी सी मोटी ही काटना है प्याज डाल दिए हैं। इनको हम सॉफ्ट कर लेंगे, हल्का सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम लहसुन अदरक और हरी मिर्ची को कूट लिए हैं। आप यहाँ पर कूटने की वजह इनका पेस्ट ले सकते हैं, पीस के ले सकते हैं। इनको डाल के हल्का सा भून लेते हैं ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए। जैसे ही हल्का सा भूनने के बाद क्या करेंगे, 2 मीडियम साइज की टमाटर लिए हैं, इनको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। ये देसी टमाटर है, थोड़ी सी खट्टी होती है, तो आप चाहे तो यहाँ पे 3 टमाटर ले सकते हैं। टमाटर की मात्रा थोड़ा सा ही ज़्यादा रखिएगा यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर हम डाल दिए हैं। थोड़ा सा तीखा चटपटा होना चाहिए, तभी खाने में टेस्टी लगेगा। तो लाल मिर्च का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखे हमने। इनको चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाला भी भून जाए और टमाटर भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हल्का सा हमने भून लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मटर। तो हमने यहाँ पे मटर लिए हैं, छील के धो लिए हैं। अब इस मटर को इसमें हम डाल देते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ पनीर से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास में थोड़ा पनीर कम था तो मैं इसलिए मटर और पनीर दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। अब यहाँ पे हम डाल देंगे पनीर। मटर पनीर एक ही साथ डाल देना है और इनको अच्छे से एक बार मिला लेना है, हल्के हाथों से मिलाना है। हमने इनको अच्छे से मिला लिए हैं। अब इनको हम कवर करेंगे। मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करना है, तो गैस को बिल्कुल लो ही रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, आप चाहे तो बीच में इनको चला सकते हैं एक बार। 5 मिनट हो गए हैं, देख सकते हो वाह कितना मस्त कलर आए हैं। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी बटर डालेंगे। बटर से ना पनीर, मटर पनीर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इनके बिना भी आप इनको बना सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इनको। बटर डाल दिए, हरा धनिया डाल दिए, इनको अच्छे से एक बार मिला लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम गैस को बंद कर देंगे। और ये हमारा चटपटी सी सिर्फ 5 मिनट में सब्जी बन के तैयार हुई है। और ये लीजिए, गर्मा गर्म से आप इनको सर्व कीजिए, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ या चावल के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी, अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।